नमस्कार, मैं हूं संतोष और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, कैसे होगा पंचायत का चौतरफा विकास? कैसे लगेगी गड़बड़ियों पर पाबंदी? कैसे करेंगे प्रतिनिधि निस्वार्थ होकर काम? तो इन सभी बिंदुओं पर पंचायती राज विभाग के द्वारा विशेष ध्यान दिया गया है। योजनाओं की संपूर्ण जानकारी प्रतिनिधियों को मिले और पंचायती राज के नियमों के बारे में प्रतिनिधियों को संक्षिप्त जानकारी रहे, इसको लेकर पंचायती राज संस्थाओं के सभी सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसको लेकर पंचायती राज विभाग बिहार सरकार के द्वारा आयोजित बेगूसराय जिला के प्रमुख और उप प्रमुख को 3 दिवसीय प्रारंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम DRDA सभाकार भवन बेगूसराय में शामिल हुए। बिहार के सभी जिलों में प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देने की शुरुआत हो चुकी है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, जमुई, बेगूसराय, पटना, पूर्णिया जैसे विभिन्न जिलों में नव निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का प्रशिक्षण शुरू कर दिया गया है। हालांकि इसकी औपचारिक शुरुआत 16 जून को ही पटना में मुख्यमंत्री के द्वारा कर दी गई थी। अब जिले में बारी बारी से सभी जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिला परिषद प्रमुख, उप प्रमुख के साथ साथ उप मुखिया, मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, पंच, सरपंच सभी को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण के बाद उम्मीद है कि सभी जनप्रतिनिधियों को विकास कार्य को लेकर कार्यभार दे दिया जाएगा। तो पंचायती राज विभाग के द्वारा जो आयोजित नव निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसमें सभी प्रतिनिधि शामिल होकर इस कार्यक्रम के अंतर्गत जानकारियां प्राप्त करते हुए इस आयोजित कार्यक्रम को सफल बनावे। और भी बहुत सारी जानकारियों के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और नीचे जो बेल का आइकन है उसे भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से मिलती रहे। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।